बाबा ये पोएम मुझे भी आती है। अच्छा चलो भाई सुनाओ फिर। आलू का चालू बेटा कहाँ गए थे, सब्जी की टोकरी में सो रहे थे, बैगन ने लाता। अरे आसिफ ये क्या बदतमीजी, तुम्हें मैंने पहले भी समझाया था, तुम समझते क्यों नहीं? मना किया कितनी बार, मना किया कितनी बार, अरे संभालना सर। क्यों करते हो ऐसी बदतमीजी, तुम्हें दौरे पड़ते हैं तुम्हारा मैं। एक नंबर का फितना है ये, उस दिन तो बड़े गले लगाकर टसवे बहा रही थी हैं, और इसकी हरकतें देखी तुमने? अरे ये ना हो कि मैं इसे घर से निकाल दूं और भिजवा दूं तुम्हारे भाई के घर। नहीं नहीं मजीद ऐसे नहीं करें। अपना बेटा तो समझता नहीं, दूसरा घर संभालने निकली हूं, ले जाओ इस जंगली को यहां से, निकलो लेकर जाओ यहां से। भाई के घर से तो तुम मुझे निकलवा ही चुके हो, अब क्या यहां से भी निकलवाओगे आसिफ? चलो ऐसी दृंदा इधर आओ बेटा, कहां लगे तुम भी तो ना। आसिफ जी। आसिफ बेटा क्या बात है? कुछ नहीं मैम। कोई परेशानी है घर में? जी। बेटा यू कैन शेयर विद मी, आप मेरे बेटे की तरह हैं। वो एक्चुअली बात ये है, मैं कैसे बताऊं? अच्छा छोड़ें, इस पे फिर किसी दिन बात करेंगे। अच्छा ये बताओ कि आपको पढ़ाई में कोई मसला हो रहा है? जी मैम, मेरी थोड़ी सी अटेंशन डाइवर्ट हो रही है, पता नहीं मैं कैसे करूंगा कोर्स, मुझे तो बहुत टेंशन है मैम। नो प्रॉब्लम, मैं आपको ट्यूशन दे दूंगी। लेकिन मैम आपकी तो फी बहुत ज्यादा होगी। हाँ फी तो बहुत ज्यादा होगी, आप क्लासरूम में टॉप करना, बस ये मेरी फीस है। थैंक यू मैम। चले आए क्लासरूम में, चलो चलो बेटा आ जाओ मेरा बच्चा, दिलेर बच्चे बनो। आसिफ आसिफ बेटा अपनी ये किताबें संभालो, समेटो और जाके अपने कपड़े चेंज करो। कोई आ रहा है मामा? हाँ बेटा वो आपके अब्बू के कुछ फ्रेंड्स आ रहे हैं, तो अभी आप जाके शावर लो और कपड़े चेंज करो, ठीक है मेरे बेटे? हाँ भाई सब तैयारी मुकम्मल है? जी सब कुछ रेडी है, बस एक दो चीजें फ्राई करनी है। तो जल्दी कर लो ना, और सुनो इस नालायक को जरा मेहमानों से दूर रखना, मैं नहीं चाहता उनके सामने कोई ऐसी हरकत करे और मुझे शर्मिंदगी उठाना पड़े। अच्छा है मजीद, मैं संभालूंगी। कैसे संभालोगी? अरे कोई ऐसी वैसी हरकत करगी तो मुझे एम्बैरेसमेंट होगी। क्यों एम्बैरेसमेंट होगी, खुदा ना खास्ता नहीं करेगा। नहीं करेगा? कल रात का वाकया भूल गई हो? अरे किस बेदर्दी से उसने आमिर को धक्का मारा। अरे ये तो वैशी हो गया दरिंदा, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। इस दरिंदे और वैशी को समझा के रखना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जी।